हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। विपुल, भारती, कृति, वेरी गुड इवनिंग। हाय, लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो कल हमने जो है अपना टॉपिक जो है पूरा कर लिया था, ऑड वन आउट। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगला टॉपिक हम देखो, अगला जो हमारा एरिया है जहां से क्वेश्चंस भर भर के आते हैं, जो परेशान करने वाला है, वो क्लोज टेस्ट है और फिलर्स का एरिया है। और जहां तक कॉन्सेप्ट की बात है, तो इन दोनों क्वेश्चन टाइप्स के कॉन्सेप्ट जो है वो सिमिलर है, बस क्वेश्चन करने के अप्रोच में बदलाव आता है। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अपना अगला टॉपिक जो है, ओमकार, मैं आ चुका हूं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऐश्वर्या, ओमकारा, लक्ष्मी। तो क्लोज टेस्ट और फिलर्स, आपको पता है कि इवन प्री एग्जाम के अंदर भी 30 क्वेश्चन में से 7 से 8 आपको क्लोज टेस्ट से मिल जाते हैं, और फिलर्स जो है वो 5 से 6 अलग अलग तरीकों से पूछे जाते हैं। तो आज हम इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे। लेकिन पहले मैं फिलर्स के क्वेश्चंस कराऊंगा, क्लोज टेस्ट में हम बाद पे जाएंगे, ठीक है? बिल्कुल स्टेप वाइज, क्योंकि फिलर्स छोटे सेंटेंसेस हैं, क्लोज टेस्ट में आपको पैराग्राफ मिलता है। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यू गेट इन फिलर्स, पहले उसकी बात कर ले। टाइप्स ऑफ फिलर्स यू गेट, व्हाट वी कॉल FIBs, फिल इन द ब्लैंक्स। देखो, पहला टाइप है आपके पास सिंगल ब्लैंक प्लेस का, सिंगल ब्लैंक। सेकेंड टाइप इज डबल ब्लैंक, एंड देन द ट्रिपल, 3 ब्लैंक प्लेसेस यू हैव। तो ये तो हमारे क्वेश्चन टाइप हो गए। अब सिंगल ब्लैंक प्लेस में व्हाट यू सी, सर ये हो जाए तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा दीपिका। तो यहां पे देखो, आप सिंगल ब्लैंक प्लेस में आपके पास जैसे 4 ऑप्शन हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। डबल ब्लैंक प्लेस में क्या होता है, अब ए बी सी डी आपके पास अगर 4 ऑप्शन हैं और सभी में 2-2 वर्ड आपको मिल जाएंगे, हो सकता है ए ऑप्शन का फर्स्ट वर्ड इज सूटेबल बट द सेकेंड वन इज नॉट सूटेबल, बी में हो सकता है भाई आपका पहला सूटेबल नहीं है, दूसरा सूटेबल है, सी में दोनों सूटेबल है और डी में दोनों सूटेबल नहीं है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि हो सकता है चारों के चारों ऑप्शन के पहले वर्ड सूटेबल हैं, द फर्स्ट वर्ड्स ऑफ ऑल द 4 ऑप्शंस आर सूटेबल इन द फर्स्ट ब्लैंक प्लेस, बट उस केस में अगेन आपको जो सेकंड ब्लैंक प्लेस हैं वो हेल्प करेंगे चूज करने में। और ट्रिपल में क्या होता है कि भाई यहां पे 3 ब्लैंक प्लेस हैं, तो जाहिर तौर पर यू विल गेट ट्रिपलेट इन द ऑप्शंस, ठीक है, आपको मिलते हैं ट्रिपलेट। और फिर वही पॉइंट कि एलिमिनेशन बड़ा आसान होता है जब हमारे पास 2 ब्लैंक प्लेस और 3 ब्लैंक प्लेस के क्वेश्चन होते हैं। इवन समटाइम्स अ सिंगल ब्लैंक क्वेश्चन कुड बी अ टफ क्वेश्चन, बट डबल एंड ट्रिपल ब्लैंक प्लेसेस यू कैन इजीली सॉल्व बिकॉज यू गेट सम स्कोप फॉर एलिमिनेशन। अब सपोज लाइक यू आर डैम श्योर कि भाई जो तीसरा ब्लैंक प्लेस है, जैसे मान लो पैराग्राफ है ये 1, 2, 3, 3 जगह पे ब्लैंक प्लेस था, ठीक है। अब यहां पे जो वर्ड है आपको पता है कि भाई इसके साथ ये वर्ड नहीं जा सकता, तो आपको पता लग गया कि भाई जो सी का तीसरा वर्ड है और डी का तीसरा वर्ड है वो आखिरी वाले ब्लैंक प्लेस में नहीं जा सकता। तो आपको पता ही कि ए और बी के बीच में लड़ाई है। अब हो सकता है कि ए और बी में ये वर्ड और ये वर्ड और ये वर्ड और ये वर्ड सूटेबल लग रहे हैं, इंटरचेंजेबल है, यानी ए का जो पहला शब्द है वो पहले ब्लैंक पे आ सकता है, बी का भी पहला आ सकता है, ए का लास्ट वाला लास्ट में आ सकता है और बी का भी लास्ट वाला लास्ट में आ सकता है। तो इसका मतलब क्या कि अब क्रिटिकल रोल कौन प्ले करने वाला है, ए और बी के बीच वाले शब्द। तो ये अभी आप क्वेश्चन में सीखोगे, अभी तो हम बस ओवरव्यू ले रहे हैं कि आपको पता लगे बैंकिंग में कितने तरह से आते हैं। अभी कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करूंगा मैं, अप्रोच क्या होगा। फोर्थ टाइप का क्या है क्वेश्चन, यहां पर आपको जैसे इस तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं
ऐसा मैं कहूं कि यू हैव एनफ फॉर इंप्रूवमेंट, ये पहला सेंटेंस, और दूसरा देयर इज एनफ फॉर टू पीपल इन दिस कार, फॉर टू पीपल इन दिस कार। और अब मैं अगर आपको चॉइस दे दूं, पहला चॉइस स्पेस, दूसरा स्कोप, तीसरा रूम और चौथा प्लेस, और आपको पूछूं कि चारों में से ऐसा कौन सा एक वर्ड है जो दोनों ब्लैंक प्लेस में सूटेबल है। सो यू आर सपोज टू टेल मी दैट आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शंस टेल मी वन वर्ड विच इज सूटेबल इन बोथ द ब्लैंक प्लेसेस। सो दिस इज अगेन अ क्वेश्चन टाइप व्हाट यू गेट इन द बैंकिंग। अब यहां पे कौन सा वर्ड है जो लग रहा है आपको दोनों में सूटेबल है? दीपिका, विश्वजीत सीखोगे आप, डोंट वरी, अभी क्वेश्चंस में सीखोगे, अभी तो ओवरव्यू ले रहे हैं, अभी सवाल थोड़ी देर में आपको दिखाई देंगे। तब देखो ये भी एक क्वेश्चन टाइप है, ये चौथा क्वेश्चन टाइप है, वेरी गुड। अभी तक क्या हुए, सारे जवाब सही हैं, दीपिका, ऐश्वर्या, बीवीएस, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। यहां पे रूम इज द करेक्ट ऑप्शन, बट अगर मैं इंडिविजुअली जाता एंड इफ आई आस्क दैट वन वर्ड व्हिच इज सूटेबल ओवर हियर, सो दैट कुड बी प्रॉब्ली द स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट, एंड वी कैन से लाइक स्पेस फॉर टू पीपल इन दिस कार। बट नाउ द वर्ड रूम, द वर्ड इज सेम सिंगल वर्ड, बट अगेन दिस वर्ड हैज टू डिफरेंट मीनिंग। 7-3 लिटरल रूम का मतलब कमरा होता है, लेकिन जब आप कहते हैं कि रूम फॉर इंप्रूवमेंट, तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर बेहतरी की गुंजाइश है, अभी रूम फॉर इंप्रूवमेंट है। और जब हम कह रहे हैं रूम फॉर टू पीपल इन दिस कार, तो इसका मतलब कि दो लोगों के लिए इस कार में जगह है अभी। एंड अ वेरी सिंपल हिंट यू गेट, लाइक जब त्योहार के दिनों में रिजर्वेशन आपको नहीं मिलता ट्रेन में, तो ट्रेन में क्या लिखा हुआ मिलता है, देयर इज नो रूम इन दिस ट्रेन। सो नो रूम, दैट डज नॉट मीन दैट देयर इज नो कमरा, बट दैट दे आर टॉकिंग अबाउट द स्पेस। सो ये क्वेश्चन टाइप है। इसी में थोड़ा और चेंज करके एक क्वेश्चन टाइप दिखाई दिया, जिसमें उन्होंने तीन स्टेटमेंट दे दिया आपको, ए बी सी, ठीक है, तीन स्टेटमेंट दे दिए उन्होंने, और उन्होंने क्या कहा भाई कि अब ऑप्शन में क्या किया, मान लो चार ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4, और इन चारों ऑप्शन में उन्होंने सिर्फ दो दो वर्ड दिए और जगह तीन थी। डायरेक्शन में क्या लिखा उन्होंने, बैंकिंग में डायरेक्शन खूब परेशान करते हैं लोगों को। डायरेक्शन में उन्होंने ये लिखा कि भाई आप जिस भी ऑप्शन के साथ जाओगे, सपोज इफ यू आर गोइंग विद द फर्स्ट ऑप्शन, देन द फर्स्ट वर्ड ऑफ द दैट पर्टिकुलर ऑप्शन इज सूटेबल इन फर्स्ट टू ब्लैंक प्लेसेस, यानी इसका जो पहला वर्ड है वो ए में भी सेट बैठेगा और बी में भी सेट बैठेगा, और जो दूसरा वर्ड है वो तीसरी लाइन में सूटेबल होगा। ये भी क्वेश्चन टाइप हमें एक देखने को मिला है, ठीक है। तो ये पांच टाइप हो गए। छठा टाइप आप देखोगे सिनोनिमस पेयर्स के ऊपर फिलर्स देते हैं वो आजकल, सिनोनिमस पेयर्स, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा कि जैसे एक लाइन दे दी उन्होंने, लाइन में ब्लैंक प्लेस है, और उसके बाद आपको उन्होंने छह वर्ड दे दिए, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, छह वर्ड दे दिए। और ऑप्शन कैसे बनाएंगे, ऑप्शन मान लो उन्होंने चार बना दिया या पांच बना दिया, पहला ऑप्शन उन्होंने दे दिया ए एंड सी, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे दिया ए ए एंड बी, इस तरीके से करके, तीसरा ऑप्शन है सी एंड डी। तो कहने का क्या मतलब कि सिनोनिमस पेयर, अगर आप ए और सी के साथ जा रहे हो, इसका मतलब कि जो ब्लैंक प्लेस है उसमें ए वाला वर्ड भी सूटेबल है और सी वाला वर्ड भी सूटेबल है, यानी वो इंटरचेंजेबल वर्ड हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन टाइप। तो ये अलग अलग तरीके से परमिटेशन कॉम्बिनेशन बना करके बैंकिंग फिलर्स के क्वेश्चन पूछता है, और इसीलिए हर सेट में आपको जरूर प्री के अंदर 30 में से यू विल गेट एटलीस्ट यू नो 5 to 7 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं सेट के अंदर ये। तो इसीलिए मैंने पहले आपका परिचय करा दिया कि इतने तरीकों से फिलर्स पूछा जाता है हमारा टिपिकली। अगर मैं वहीं पे एसएससी की बात करता तो एसएससी में तो बस देखो ये दो टाइप तक हैं बस, इसीलिए बैंकिंग का बैच अलग होता है। तो यहां पे ये सिर्फ दो टाइप तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये तो बात हो गई फिलर्स की।
हम पहले ये सारा जो इंग्लिश यूसेज का एरिया है ना, पहले मैं वो खत्म कर लेता हूं, क्योंकि इसमें इससे ही आपका मेजर चंक आता है, पेपर की घोषणा हो चुकी है, तो इन पे आपकी कमांड हो और आप आराम से इसके बाद प्रैक्टिस सेट लगा सकें। जो भी ऑनलाइन आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। दैट इज वाई इनको खत्म करके फिर हम ग्रामर के पोर्शन वाले क्वेश्चन टाइप्स पे लास्ट में आएंगे। हाँ जी, देखो क्लोज टेस्ट में क्या होता है कि अब आपको एक पैराग्राफ मिल जाता है, ठीक है, एक पैराग्राफ मिल गया, सपोज 5 ब्लैंक प्लेसेस हैं एंड फॉर ईच ऑफ द ब्लैंक प्लेस, सब पहले में के लिए भी आपको 4 वर्ड 5 वर्ड जो भी है, दूसरे के लिए भी ऐसे मिल जाएगा, इस तरीके से 5 तक आपके पास हैं और हर ब्लैंक प्लेस के लिए आपके पास 4 से 5 जो है वो चॉइसेस हैं। तो व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच ऑफ सॉल्विंग क्लोज टेस्ट? पहला काम ये होता है कि रीड द पैराग्राफ and try to get the main idea of the paragraph. What is the gist of the paragraph? Try to get that. इसमें गड़बड़ क्या करते हैं स्टूडेंट, जैसे ही उनको पहला ब्लैंक प्लेस मिलता है ना, they start looking at the option actually. यही पे मामला गड़बड़ होता है आपका। जब भी you encounter with a question based on closed test, the very first thing is that go through the passage without looking at the option choices. In the first time reading, do not look at the option choices, just read that and try to get the gist and the main idea and the tonality of the paragraph. And then when you read the second time, then your job is to filter out which one is the correct option choice in that particular context. And for that we need to have some parameters, inki samajh hame chahiye hogi aur wo ab hum discuss karne wale hain. Kya parameters hain? देखो क्लोज टेस्ट, या ये तो क्वेश्चन टाइप की बात हो गई बेसिक। अच्छा हाँ, बैंकिंग में एक और क्लोज टेस्ट में देखने को मिलता है, वो वर्ड आजकल ऑलरेडी पहले से लिख भी देते हैं। जैसे ब्लैंक प्लेस में एक तो तरीका है कि आपको खुद चूज करना है, कि आप चूज करके बताएं कि भाई यहां पे क्या होगा, और एक ये है कि वो उस ब्लैंक प्लेस में पहले से ही वर्ड लिख देते हैं और फिर आपके पास ऑप्शन दे देते हैं और आपको पूछते हैं कि इसमें से कौन सा क्लोजेस्ट सिनोनिम है इसका। तो मोर आर लेस काम वही है, आपको वैसे भी पहले अगर 4 वर्ड दे रहे थे तो यू हैव टू फिगर आउट दैट विच वन वर्ड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन दैट ब्लैंक प्लेस। एंड सेकेंड टाइप इज वॉट, दे विल ऑलरेडी राइट द वर्ड एंड देन दे आस्क यू दैट वट एवर वर्ड वी हैव गिवन आउट देयर, आउट ऑफ द गिवन च्वाइसेज यू नीड टू चूज द क्लोजेस्ट सिनोनिम ऑफ दैट। तो एनीवे, देखो क्लोज टेस्ट हो चाहे फिलर्स हो, दो तरह की स्किल सेट्स टेस्ट करता है पेपर सेटर। अब मैं थोड़ा बैकग्राउंड की बात कर रहा हूं जो कि पेपर सेटर का पॉइंट ऑफ व्यू। एक तो आपकी रीडिंग स्किल्स, जिस पे आपने बहुत काम किया है, हमने पीछे क्रिटिकल रीडिंग की है, आपने देखा है, वो सब रीडिंग स्किल्स हैं। एंड द सेकेंड वन इज वॉट, वोकैबुलरी स्किल्स। रीडिंग स्किल्स में किस तरह की चीजें, जिसको हम अगर इन फर्दर अगर हम इसको क्लासीफाई करते हैं, so we can classify in typically active reading, and active is also called critical reading, and this is called what, passive reading. I hope आपको याद होगा बिल्कुल वो जो हमने एक पैराग्राफ किया था जिसमें yes और no वाला आंसर हमें करना था, तो वो क्या था, वो critical reading थी। हमने उस लाइन को लिखा फिर ब्रेक करके उसका मतलब निकालने की कोशिश करी। तो सपोज इफ somebody asks you that what is the difference between active and passive reading, आइडेंटिफिकेशन इज वेरी वेरी क्लियर। जो कंटेंट पढ़ करके आपको आसानी से समझ में ना आए या पढ़ने का मन ना करे, वो समझ लो वो एक्टिव रीडिंग है, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं द हिंदू का जो सप्लीमेंट होता है, कई बारी दे टॉक अबाउट मूवीज और सम आर्ट फॉर्म्स और सम क्विजीन और सम फैशन और समथिंग लाइक दैट, बट अगेन द काइंड ऑफ वर्ड्स दे यूज, द काइंड ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर दे यूज, समटाइम्स वो एक आम से इंसान को जिसकी उतनी रीडिंग का एक्सपोजर नहीं है उसको समझ ही नहीं आता। तो वहां पे क्या है कि वहां पे आपको उस फिल्म और फैशन के बारे में भी पढ़ने के लिए आपकी वोकैबुलरी बेहतर होनी चाहिए। यू शुड हैव अ गुड कमांड ओवर द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, क्लॉजेस, फ्रेजेस, व्हाट इज डिपेंडेंट, व्हाट इज इंडिपेंडेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पंक्चुएशन मार्क्स, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट पैसेज इन अ होलिस्टिक मैनर। तो वहां पे क्या है कि यू हैव टू एनालाइज, यू हैव टू इवेलुएट, देन यू विल बी इन द पोजीशन टू अंडरस्टैंड। बट वहीं पर अगर चेतन भगत की कोई नॉवेल है या
आप हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबारों के सप्लीमेंट की बात करें, इट्स एचटीसीटी या डेली टाइम्स, सो कंटेंट इज नॉट दैट हैवी. इवन इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द मीनिंग ऑफ कपल ऑफ वर्ड्स व्हाइल यू आर गोइंग थ्रू द पैसेज, स्टिल यू आर एबल टू मेक एन इंटेलिजेंट कंजेक्चर अबाउट दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ. शब्द का शाब्दिक अर्थ ना पता होते हुए भी आप उसका एक मतलब निकाल पाते हैं. तो जिस बात को समझने में ज्यादा मुश्किल ना हो उसी को पैसिव रीडिंग कहते हैं, और जहां थोड़ा दिमाग लगाना पड़े, चीजों को इवेल्युएट करना पड़े, उसकी क्रिटिकल एनालिसिस आपको करनी पड़े, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिव रीडिंग. तो आपको पता ही है कि वेदर इट्स अ फिलर क्वेश्चन और अ क्लोज टेस्ट क्वेश्चन, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द पैसेज इन अ होलिस्टिक मैनर, देन इट वुड बी काइंड ऑफ अ बिट टफ टू यू नो टू बी जीरोड ऑन अ राइट चॉइस ऑफ वर्ड. तो खैर, इसके बारे में बात हो चुकी है, हमने सिंगल सिंगल लाइन जो है वो एनालाइज करी है, क्वेश्चंस हमने किए हैं पैरा कंप्लीशन के. वोकैबुलरी स्किल्स जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि भाई शब्दों को चूज करना है. अब जरा ये पॉइंट आप ध्यान से समझो, रीडिंग की तो बात हमने करी ली थी पहले, अब बाकी की बात जब आरसी करेंगे तब करेंगे रीडिंग की. क्रिटिकल रीडिंग आपको पता है. अब जो दूसरी स्किल सेट है जो हमें चाहिए सही शब्द के चुनाव के लिए, वो जरा समझ लेते हैं. अब देखो, पहला चैलेंज मैं आपको देता हूं, रेटिसेंट, टैसिटर्न एंड लकोनिक. सपोज एक क्वेश्चन है फिलर का, चार ऑप्शन थे ए बी सी डी. आपने क्या किया कि डी ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर लिया, लेकिन तीन ऑप्शन में आप कंफ्यूज हैं, बिकॉज दीज थ्री ऑप्शन आर सिनोनिमस ऑप्शन एंड ऑल थ्री वर्ड हैज टू डू विथ सम सॉर्ट ऑफ लेस स्पीकिंग. ये तीनों तरह के जो हमारे स्पीकर्स हैं ये कम बोलने वाले हैं. और अब आप एक सिचुएशन में फंस गए हो जहां आपको ये तो पता है लाइन पढ़ के कि आई नीड अ वर्ड जो कि कम बोलने वाले के लिए हो, लेकिन अब क्या है कि आपके पास जो तीनों वर्ड है यहां पर वो कम बोलने वाले के लिए है, and you do not have any mechanism or tool on the basis of which you can segregate these three words. So here the very first tool you are going to learn to differentiate synonymous word, and that tool is what, that is called context. This tool is called context, right? ye hamara pehla tool hai, context isko kehte hain. ab reticent ka kya matlab hai? रेटिसेंट का मतलब यह है कि एक इंसान जो है वो चुपचाप तो रहता है, रिजर्व रहता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे सपोज इफ अ रेटिसेंट पर्सन इज वॉकिंग इन एन ऑफिस, एज फार एज ऑफिशियल यू नो टास्क आर कंसर्न, द पर्सन इज एब्सोल्युटली ओके इन कम्युनिकेटिंग विद अदर्स, आराम से बात करता है ऑफिस रिलेटेड कामों में. लेकिन अगर उसी इंसान को अगर बात करनी है अपने पर्सनल इमोशंस के बारे में, फीलिंग्स के बारे में, थॉट्स के बारे में, तो वो लोगों के सामने ओपन अप नहीं होगा. सो अ पर्सन हु डज नॉट ओपन अप विद हिज पर्सनल फीलिंग्स, थॉट्स एंड इमोशंस विद अदर्स इजिली, ऐसे कम बोलने वाले को क्या कहते हैं, रेटिसेंट कहते हैं. अगला शब्द है आपके पास टैसिटर्न, बहुत अच्छा शब्द है ये भी. अब टैसिटर्न स्पीकर कौन होता है, टैसिटर्न स्पीकर आप उसको बोलते हैं somebody who is not interested even the process of conversation. बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल, अब सपोज आपके घर में कोई सेल्समैन आया हुआ हो और वो कुछ बेचने की कोशिश कर रहा हो, सम प्रोडक्ट या सर्विस, एंड जस्ट आउट ऑफ कर्टसी आप उसको झेल रहे हैं, लेकिन उस दो मिनट के दौरान आप अपना फोन भी देख रहे हैं और उसकी बात उससे बात करने की एक्टिंग कर रहे हैं आप. आप बात करना तो दूर, आप उसको सुन भी नहीं रहे. सो अ टैसिटर्न स्पीकर इवन डज नॉट लिसन टू केयरफुली, द पर्सन जस्ट काइंड ऑफ इनैक्ट दैट ही इज इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन. बट टैसिटर्न इज अ काइंड ऑफ पर्सन हु इज नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन, एंड वी गेट अ वर्ड फ्रॉम हियर दैट इज कॉल्ड टैसिट, लाइक वी से द टैसिट अग्रीमेंट, tacit agreement,
आर टैसिट अंडरस्टैंडिंग, टैसिट अंडरस्टैंडिंग. अब सपोज यू आर, यू हैव अप्लाइड फॉर अ जॉब, यू गॉट अ कॉल दैट टुमारो यू हैव टू कम एंड यू हैव टू गो थ्रू दीज डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस. यू हैव गिवन योर रिटन टेस्ट, देन द यू नो इंटरव्यू हैपन, जीडी हैपन्ड, व्हाटसोएवर, देन द लास्ट एचआर मीटिंग. शाम को उसका समय आया एंड देन द एचआर मैनेजर इज सेइंग, सर थैंक यू सो मच दैट यू हैव कम एंड वी विल गेट बैक टू यू. अब ये जो कहा जाता है वी विल गेट बैक टू यू, ये टैसिट अंडरस्टैंडिंग है आपकी कि पूरा दिन खर्च करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ और आज आपका सिलेक्शन यहां पे नहीं हुआ है. अब वो मुंह पे तो कह नहीं सकते कि नहीं साहब आपको नहीं लिया हमने, तो वो क्या कहते हैं कि जब भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी वी विल गेट बैक टू यू. तो वी विल गेट बैक टू यू, ये एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग, यानी बिना बोले जहां एक समझ होती है दो पार्टीज के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं, टैसिट अंडरस्टैंडिंग या टैसिट अग्रीमेंट. दो के बीच में एक टैसिट अग्रीमेंट है, बिना बोले बिना कहे दोनों को पता है कि उन्हें क्या करना है. दिस इज कॉल्ड टैसिट. एंड द लास्ट वन इज व्हाट, लैकोनिक. अब लैकोनिक इज अ पर्सन हु स्पीक्स लेस, बट व्हेन यू गो टू डिकोड द मीनिंग ऑफ दैट सेइंग, उसमें बड़ी बात कह जाता है वो. यानी कम शब्दों में बड़ी बातें कहने वाले स्पीकर को हम लैकोनिक कहते हैं. इसके पीछे भी कहानी है पूरी, लैकोनिया प्रांत के राजा एंड ऑल, बट आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट. बस ये हमें ध्यान में रखना है. अब इसमें क्या है कि जैसे हमें लैकोनिक टाइटल्स दी जाती हैं कई बार यूपीएससी में जो एसे राइटिंग है उनके लिए, या इवन फॉर जीडीज आई यूज टू गिव दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स. लाइक इफ यू टॉक अबाउट जीडी, देयर आर फोर डिफरेंट रंग्स. फर्स्ट वेरी बेसिक रंग इज कॉल्ड ऑफ ग्रुप डिस्कशन इज एवरग्रीन टॉपिक्स लाइक करप्शन एंड रिजर्वेशन, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, टेररिज्म एंड ऑल. देन द सेकेंड रंग इज ऑफ द करेंट अफेयर्स, बिकॉज टू डिस्कस द करेंट अफेयर्स यू शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड, देन यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड ओपिनियन, आर यू हैव टू काइंड ऑफ सब्सटेंशिएट योर ओपिनियन बाई डेटा, फैक्ट एंड फिगर. तो ये अगला लेवल होता है डिफिकल्टी का. जीडी का उससे भी जो ऊपर का लेवल है वो किसका है, वहां पर फिर आपको केस स्टडीज दी जाती हैं जीडी में, राइट. आपको पेपर मिल जाएगा 4 पेज का, उसमें एक केस स्टडी है, उसको 10 मिनट का टाइम है, अंडरस्टैंड दैट, और फिर उस केस स्टडी के ऊपर जीडी बेस्ड होती है. तो वहां पर ये देखते हैं कि जब इनको एक सिचुएशन दी जाती है तो इनका दिमाग कितने अच्छे तरीके से काम की इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करता है, एसिमुलेट करता है, और उसमें यू नो आर एबल ऑल्सो एबल टू डिवेलप सम पर्सपेक्टिव, एंड यू आर एबल टू पुट थिंग्स इन टू पर्सपेक्टिव. एंड द फोर्थ रंग इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट जीडी. अब एब्स्ट्रैक्ट जीडी में टॉपिक कैसे दिए जाते हैं, जैसे मैं टॉपिक दूं आपको रेड वर्सेस ग्रीन, रेड वर्सेस ग्रीन. नाउ दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक. आफ्टर 1 मिनट यू आर सपोज टू स्टार्ट द डिस्कशन, बट अगेन नाउ इट विल सिंपली शोकेस दैट इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज यू कैन कनेक्ट दीज टू कलर्स. आर द टॉपिक ऑफ द जीडी इज इफ, टॉक अबाउट इफ नाउ. तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, एब्स्ट्रैक्ट जीडी. तो खैर मैं बात कर रहा था जैसे कि लैकोनिक टाइटल्स दी जाती हैं. अब जैसे आपको टाइटल दे दी जाए इस तरीके से कि समथिंग व्हिच हैज ऑल द कलर्स डज नॉट हैव इवन अ सिंगल कलर, और समबडी समथिंग व्हिच इज प्रेजेंट एवरीवेयर इज नॉट प्रेजेंट एनीवेयर. नाउ हियर द टू क्लॉजेज ऑफ दीज सेंटेंसेज आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर. At one place you are saying something which is everywhere is not anywhere. तो जो हर जगह है वो कहीं नहीं है, या जिसके पास सब कुछ होता है उसके पास कुछ नहीं होता. तो ये बातें आपस में एक दूसरे की विरोधाभासी हैं, बट इनपे 1000 पेज, 1500 सॉरी 1500 और 1500 वर्ड्स के आपको एसेज लिखने पड़ते हैं, और वही वाली बात कि वो देखना चाहेंगे कि आपकी कितनी समझ है. अब जैसे वी कैन टेक द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ प्रिज्म वाला, दैट व्हेन व्हाइट लाइट यू नो गोज थ्रू अ प्रिज्म यू गेट दैट विबग्योर, एंड दैट विबग्योर इज कॉल्ड अ विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. मीन्स वॉट एवर वी कैन सी, वॉट एवर ह्यूमन आईज कैन सी, दैट कम्स आउट ऑफ दैट व्हाइट लाइट. सो व्हाइट लाइट इज द सोर्स ऑफ ऑल द कलर्स, बट दैट व्हाइट लाइट डज नॉट हैव इवन अ सिंगल कलर. तो जिस जो सारे रंगों का स्रोत है उसके पास कोई भी रंग नहीं, और आप इसको जिंदगी में कहां 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 से जोड़ सकते हैं. हमारी जिंदगी में हम अपनी 2-4 आइडेंटिटी पकड़ लेते हैं. समटाइम्स वी आइडेंटिफाई आवर सेल्फ विद आवर जेंडर्स,
sometimes the family background, sometimes money what our family members have accumulated, sometimes our result. We identify with these little thing और उस पर ठेस लगती तो हमें लगता हमारा जीवन बर्बाद हो गया। तो ये क्या है, ये हमारी बेवकूफियां हैं कि नेचर ने भरपूर दिया, उसने कहा बिबग्योर लेके जाओ और इन्हीं सात रंगों में जितने आंखों से दिखने वाले हजारों लाखों कॉम्बिनेशन है कलर्स के, जो फ्रीक्वेंसी बैंड होगा हमारा वायलेट से लेकर के रेड तक का, हर एक फ्रीक्वेंसी पे एक कलर निकलता है। गर्ल्स हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कलर्स, दे डू नो द पीच रेड एंड द ब्रिक रेड एंड द ब्लड रेड एंड दिस येलो एंड पल, तो दे हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो पॉइंट वही है, जो सबका स्रोत है उसके पास कोई रंग नहीं है। गॉड इज कॉल्ड द ओमनीप्रेजेंट, जो हर जगह है वो कहीं नहीं है, बिकॉज आप अगर कहीं हैं तो कहीं नहीं है। ह्यूमंस कैन परसीव ओनली डिफरेंसेस, वी कैन नॉट परसीव एब्सोल्यूट। सो एनीवे, सो दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स आर गिवन एट द हायर लेवल, वेदर इट्स अ यूपीएससी आर टॉप लेवल मैनेजमेंट एग्जाम, सो उसको कहते हैं लेकोनिक। यानी आपको कई बार ऐसे मौके मिलेंगे अगर आपने सिर्फ वोकैबुलरी रटी है सुपरफिशियल लेवल पे कि द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज दिस, यू विल बी ट्रैप्ड राइट। इन द गुड क्वेश्चंस यू हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन सिनोनिमस वर्ड्स। इफ यू आर नॉट इन द पोजिशन टू डू दैट देन यू विल बी ट्रिक्ड। तो पहला तो पैरामीटर ये हो गया। व्हाट इज द सेकेंड पैरामीटर? दैट इज कॉल्ड कॉनोटेशन। इसको कहते हैं कॉनोटेशन। एंड व्हाट इज द कॉनोटेशन? व्हाट इज द कॉनोटेशन? एटीट्यूड ऑफ द वर्ड। अब जैसे हम बात करें अगर कि भाई मलाइका अरोरा, पहले खान थी, आने वाले दिनों में शायद कपूर हो जाए, तो हम मलाइका अरोरा ही रखते हैं अभी। मलाइका अरोरा इज अ स्वेल्ट ब्यूटी। मलाइका अरोरा इज अ स्वेल्ट ब्यूटी। शी इज thin and all those anorexic models are skinny. Now look at these three words. तीनों शब्दों का मतलब है पतला होना, आपको इस बात की समझ है, तीनों शब्दों का मतलब है पतला होना, लेकिन thin जो word है ये कैसा word है? तो ये neutral है। skinny कैसा है? negative है। और swelled कैसा है? positive है। तो अगर हमने कहा कि Malaika Arora is a swelled beauty, means what? Somebody who is physically thin but still very attractive. Physically thin but still very attractive. That is called swelled beauty. Features are good, are called sexy, what we can call simply. Because what is sexy? When I was in 7th standard, I asked this question to my father, what is sexy? And my father explained that fantastically well. He said, whatever attracts opposite sex is called sexy, simply. So, male and the female. So, वही है, swelled beauty हमने कहा है. Thin is a neutral word, and when the word is neutral, means what? It can take both the shapes. Positive भी रंग ले सकता है, negative भी रंग ले सकता है, depending on the situation. And when you say she is skinny, means what? कि कोई lady है, वो बहुत ज्यादा ही पतली है, और इतनी पतली है that feminine grace from the body is missing. So that is called skinny. Skinny is a disparaging term, deprecating term. It's a derogatory remark, right? Like I use the word anorexic model. What is anorexia? जो बहुत ज्यादा खाना, मतलब dieting की जब आदत सी पड़ जाए, बिल्कुल सूख जाए आप, और जैसे those models, they are just like hangers and they are watching, walking down the ramp. चेहरे पर कोई emotion नहीं है, बस हाथ हिलाते हुए पहुंच के फिर वापस आ गए. So वो skinny models, right? तो इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड कॉनोटेशन। पतला तो तीनों ही है। अब जैसे हम कहें उम्रदराज, तो उम्रदराज तो एल्डरली भी है, उम्रदराज तो सीनियर सिटीजन भी है, और उम्रदराज जो है वो तो ओल्ड भी है, बट ओल्ड इज नेगेटिव, एंड दैट इज वाई कि मेट्रोज में जहां जहां पे ओल्ड पीपल लिखा था वहां सीनियर सिटीजन लिखा हुआ मिलता है। हैंडीकैप्ड इज नेगेटिव, एंड दैट इज वाई वी से डिफरेंटली एबल्ड। विकलांग इज नेगेटिव, दैट इज वाई वी कैन से वी से दिव्यांग। Negro is an offensive term, but when we say Afro-American, now it sounds good. So it has a positive connotation. So you have to look at the connotation as well, because the same idea can be presented in different ways. You can be positive, very much positive in that, like the mildly positive and highly positive, and the neutral, and the mildly negative and highly negative. And that is based on the choice of words. Ye aap kis tarah ke
शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक ही तरह अब जैसे ब्रेव है, ब्रेव इज पॉजिटिव बट ब्रेजन इज नेगेटिव, ब्रेव इज पॉजिटिव साहस बट ब्रेजन इज दुस्साहस, दैट इज नेगेटिव। फेमस इज पॉजिटिव बट नोटोरियस इज नेगेटिव, प्रख्यात एंड कुख्यात, ख्याति दोनों के पास है, एक पॉजिटिव सेंस में एक नेगेटिव सेंस में। वुमनली इज पॉजिटिव बट वुमनिश इज नेगेटिव, लाइक यू से हर वुमनली ग्रेस इज 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 एब्सोल्यूटली एलिगेंट, हर वुमनली ग्रेस। सो द वर्ड वुमनली विल बी यूज फॉर अ वुमन इन अ वेरी पॉजिटिव लाइट, जस्ट टू शोकेस आर रिफ्लेक्ट द पॉजिटिव क्वालिटीज ऑफ अ वुमन वी यूज द वर्ड वुमनली। बट द वर्ड वुमनिश, अब नाउ इफ यू लुक एट बोथ द वर्ड्स वुमनली एंड वुमनिश, दोनों शब्दों का जन्म कहां से हो रहा है, वुमन से हो रहा है, और इसमें कॉनोटेशन का फर्क है। बच्चे को नहीं पता होगा तो वो फंस जाएगा, क्योंकि देखने में भी दोनों एडजेक्टिव हैं। तो वुमनली इज पॉजिटिव, वुमनिश इज नेगेटिव। वुमनिश विल नॉट बी यूज विद अ वुमन इन जनरल, वुमनिश का इस्तेमाल वुमन के साथ होता ही नहीं इन जनरल। वुमनिश विल बी यूज विद अ मैन इफ अ मैन्स बिहेवियर इज अ बिट अनमैनली, अगर एक पुरुष का व्यवहार पुरुषों जैसा ना होकर के महिलाओं जैसा है, उसकी भाव भंगिमाएं, उसका बॉडी लैंग्वेज, द जेस्चर्स एंड द पोस्चर्स, सो दैट वुड बी कॉल्ड व्हाट वुमनिश। जैसे हम सेंटेंस में अगर मान लो पेपर में ऐसे आ जाए, फिलर का क्वेश्चन है, फिलर का क्वेश्चन है सर, और इस तरीके से आ जाए कि हिज वुमनली ऑब्लिक वुमनिश ट्रेट्स आर absolutely distasteful, distasteful। तो कुछ मासूम लोग ऐसे होंगे जो ये सोचेंगे अच्छा इस हिज में प्रॉब्लम है, यहां पे तो वुमनली की बात हो रही है या वुमनिश की बात हो रही है, पहले तो इसकी को सही करना चाहिए, हर करना चाहिए। तो साहब इधर हिज जो लगा हुआ है ना, उसकी वजह से पता लग गया कि आपको यहां पे वुमनिश चाहिए, वुमनली नहीं चाहिए, क्योंकि वुमनिश का इस्तेमाल जनरली महिलाओं के लिए होगा ही नहीं, इसका इस्तेमाल पुरुषों के लिए होगा। अब लाइक द काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज मिस्टर करण जौहर हैज, यू नो दैट वुड बी कॉल्ड वर्ड वुमनिश, एंड इवन ही काइंड ऑफ फ्लॉन्ट दैट एज वेल इन द अवार्ड शोज एंड ऑल, जस्ट लुक एट एंड ऑब्जर्व हिज बॉडी लैंग्वेज इन व्हेन ही गोज टू द डायस राइट इन एन अवार्ड फंक्शन, या जब वो अपने कॉफी विद करण का इंटरव्यू ले रहे होते हैं, हिज हैंड मूवमेंट जेस्टर्स, जिस तरीके से वो अपने बाल को ही सहला रहे होते हैं, या if you look at the characters of Madhur Bhandarkar's movies like Pace 3 or Fashion, and particularly the characters of those fashion designers, you know, so maybe this is not suiting on you, so this is not suiting on you, so the whole body language is what, otherwise I think that is more of a stereotyping the you know the designers, but that is not correct, but jo dikhaya wahan pe wo kis tarah ka trait tha usko hum kehte hain womanish। Same is the case with the आप बच्चे के साथ लोग बहुत गड़बड़ करते हैं, ये नहीं समझते कि चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश में क्या फर्क है। बहुत सारे ग्रामर की जब क्लास शुरू होती है बेसिक से इंग्लिश स्पेशल बैचेस में नॉर्मल, तो वहां पे यहां पे फंस जाते हैं लोग, उनको चाइल्डहुड और चिल्ड्रन और चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक का फर्क नहीं पता होता। तो मैं क्लास में जब नाउन पढ़ा रहा हूं बोलता हूं भाई कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, चाइल्ड कॉमन नाउन है, क्या होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो क्लास में चिल्ड्रन, चाइल्डहुड और चाइल्डिश तीनों जवाब आते हैं कॉमेंट सेक्शन में, इसका मतलब हम किस लेवल पे घायल हैं वो समझ आता है। तो यहां पे क्या निकल के आया कि भाई चाइल्डिश और चाइल्डिश और जो चाइल्ड लाइक है, ये दोनों वर्ड हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, दे आर एडजेक्टिव्स, और बीइंग एन एडजेक्टिव क्या फर्क है दोनों में, भाई बच्चों से दोनों रिलेटेड है, फर्क इसमें कॉनोटेशन का है। अब जैसे मैं कहूं कि आई एम इरिटेटेड बाई योर चाइल्डिश बिहेवियर, तो ये चाइल्डिश का मतलब है बचपने वाला व्यवहार, इमैच्योर बिहेवियर, लेकिन वहीं पे अगर मैं ये कहता हूं कि आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर चाइल्ड लाइक क्वालिटीज, तो यहां पे है कि आप एक बच्चे की तरह बिल्कुल इनोसेंट हैं, बिना किसी मुखौटे के हैं, और जब आप बिना किसी मुखौटे के होते हैं तो आप बहुत ही इम्प्रेसिव होते हैं, बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा सबको आकर्षित करता है क्योंकि वो इनोसेंट है, तो ये चीजें जो है इसी को हम क्या कहते हैं, कॉनोटेशन। इसीलिए हमें यूफेमिज्म का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब आप जैसे कहो कि मैडम सुषमा स्वराज एक्सपायर्ड 5 days back, तो आपने वहां पे इस्तेमाल कर लिया कि एक्सपायर्ड 5 days back। वहीं पे आप बोलेंगे कि द ग्रेट लीडर मैडम सुषमा स्वराज लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड 5 days back। तो अभी एक्सपायर्ड 5 days back, एक्सपायर्ड इज नॉट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट,
बट इफ यू आर सेइंग द लेफ्ट शी लेफ्ट फॉर हेवनली अबोड, तो अब ये कह लेना, ये भी मरने के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन ये कह लेना कैसा है, ये एक तरीके से यूफेमिस्टिक एक्सप्रेशन है, आप उसी बात को थोड़ा सा पॉजिटिवली कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है कॉनोटेशन का फर्क, ठीक है। तो शब्दों पे हमेशा ध्यान दें कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है, एक तरह का मतलब होते हुए भी यह फर्क होता है उनमें। अगला कौन सा पैरामीटर है जो आपको हेल्प करेगा? कॉन्टेक्स्ट देखा आपने, कॉनोटेशन देखा, नेक्स्ट वन इज डिग्री ऑफ वर्ड। अब जब आप इतने समझदार हो जाते हैं दैट यू आर नाउ एबल टू फिगर आउट व्हाट काइंड ऑफ कॉनोटेशन ऑफ द वर्ड इज, एंड लाइक यू आर सिंपली क्लियर दैट आई नीड अ नेगेटिव वर्ड आउट हियर, आपको जैसे पता है मैंने कहा कि भाई आई एम इरिटेटेड बाय योर बिहेवियर, अब बिहेवियर से पहले ब्लैंक प्लेस है, तो आपको पता है कि भाई अगर सामने वाला इरिटेटेड है मींस व्हाट, दैट इन दैट ब्लैंक प्लेस आई नीड अ नेगेटिव वर्ड। तो पेपर वाला क्या करेगा, उसने पॉजिटिव कोई दिया ही नहीं, क्या आप एलिमिनेट कर पाओ, उसने सबके सब नेगेटिव दे दिए, अब क्या करोगे? अब आपका रखा हुआ ज्ञान कॉनोटेशन का थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। अब हमें डिग्री ऑफ वर्ड की समझ चाहिए, बहुत ही बेसिक से एग्जाम्पल। अब जैसे कहीं पे रिच वर्ड हो, फिर आपके पास वर्ड हो एफ्लुएंट, और फिर आपके पास वर्ड हो ऑप्यूलेंट। अब देखो यहां पे तीनों के तीनों शब्द अमीरियत से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं इन शब्दों के पॉजिटिविटी की डिग्री जो है वो इंक्रीज होती चली जा रही है, राइट। सो रिच से ज्यादा अमीर एफ्लुएंट होता है, और एफ्लुएंट से भी ज्यादा अमीर कौन होता है? ऑप्यूलेंट। ये तीनों के तीनों शब्द एडजेक्टिव है, नाउन लेके आओगे तो रिचनेस, एफ्लुएंस एंड ऑप्यूलेंस, ठीक है। तो अब जो हमारे मिडिल ईस्ट के देशों में या जो हमारे अरब कंट्रीज हैं वहां पे जो शेख बड़े शौकीन होते हैं, और उनके घरों में जीवन जो वाटर टैप है उनके ऊपर भी सोने की जो है वो कवरिंग करी जाती, सोने की परत चढ़ाई जाती है। तो अब ये क्या है, इस तरह के अगर आपके शौक हैं या फरारी के अंदर जो है वो हीरे जड़वा रहे, तो दिस इज व्हाट, इतना एफरात पैसा है कि आपको खुद ही नहीं समझ आ रहा उसका क्या करना है, तो वो ऑप्यूलेंस से भरा हुआ है। और इफ यू लुक एट द कार्स आर लाइक रोल्स रॉयस, सो द रोल्स रॉयस इज वैसे भी आम आदमियों के लिए है नहीं, और प्लस ऊपर से उसमें इतनी सारी सुविधाएं हैं, मतलब एक बटन दबा करके पता नहीं क्या क्या करेंगे आप, तो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड फुल ऑफ ऑप्यूलेंस। इवन कारों के जब रिव्यूज आप सुनते हैं यूट्यूब पे, ऑटो कार पे, तो वहां पे भी आता है कि द इंटीरियर ऑफ दिस कार इज फुल ऑफ ऑप्यूलेंस, रिचनेस से बिल्कुल, द क्वालिटी ऑफ मटीरियल यूज्ड इन द डेकोर ऑफ दैट पर्टिकुलर कार। ऐसे ही अगर आप नेगेटिव वर्ड पकड़ लो, तो जैसे आप किसी को करते हैं लेट से डिसअप्रूव, फिर आप किसी को करते हैं क्रिटिसाइज, फिर आप करते हैं सेंशोर, फिर आप करते हैं कैस्टिगेट। अब जरा देखो ये चारों शब्द जो है वो आलोचना करने के लिए ही हैं, लेकिन एक तरीके से सभी के डिग्रीज में फर्क है। डिसअप्रूव बहुत माइल्ड वर्ड है, अगर आपने किसी को डिसअप्रूव कर दिया तो इसका क्या मतलब है कि आपने उसकी बात को अप्रूव नहीं किया, ठीक है भाई आप अगली बार ये करेक्शंस करके लाओगे और उसके बाद मैं आपको अप्रूव कर दूंगा, बट अब आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अब आपने डिसअप्रूव किया, आपने कहा कि भाई नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट तो ये काम जो है वो सलीके से पूरा हो जाना चाहिए, अब उस इंसान ने तब भी नहीं किया, तो अब आप उसको शायद ऑफिस में बुला के क्रिटिसाइज करोगे, यार क्या मामला है तुम्हारा, पिछली बार मैंने समझाया था फिर भी तुमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस इंसान को उसके बाद भी फर्क नहीं पड़ रहा। अब आप उसको करेंगे सेंश्योर, अब सी एन एस यू आर ई सेंश्योर का मतलब होता है जब आप किसी को पब्लिकली थोड़ा सा कंडेम करें, क्रिटिसाइज करें। तो सपोज आपने एक लंच पार्टी रखी या टी पार्टी रखी शाम को, और ऑफिस के 15-20-25 लोग हैं वहां पे, और अब उन लोगों के सामने आपने उस इंसान को फिर थोड़ी सी लताड़ लगाई, तो नाउ दिस इज व्हाट, अब स्केल बढ़ रहा है धीरे, अभी तक बंद कमरे में था, सिर्फ बॉस की ऑफिस में था, लेकिन अब उसका स्केल बड़ा हो गया, डिग्री बढ़ गई। और कैस्टिगेट जो है वो और भी बड़े स्केल पे हो जाए, जैसे कि न्यूज पेपर में आया था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट कैस्टिगेटेड द हरियाणा गवर्नमेंट फॉर द वायलेंस इन पंचकुला आफ्टर द वर्डिक्ट ऑन राम रहीम।
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने मतलब फटकार लगाई, आलोचना की राज्य सरकार की कि भाई आपको जब पता था कि इतने सारे लोग पंचकुला में इकट्ठा हो रहे हैं और राम रहीम के ऊपर जो है फैसला आने वाला है, तो फिर आपने सुरक्षा के प्रबंध क्यों नहीं किए, आपने ऐसा होने क्यों दिया। उन्होंने सरकार की आलोचना की। तो अब जब कैस्टिगेट किया जा रहा है तो उसका स्केल अब अखबार में आ चुका है, वो न्यूज में आ गया, तो अब तो डेफिनेटली उसका स्केल बढ़ गया। तो आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि इसका मतलब क्रिटिसाइज करना होता है। यार क्रिटिसाइज होता है तो फिर बाकी क्या होते हैं, क्रिटिसाइज वही होता है, फिर कैस्टिगेट वही होता है, फिर रिप्रोच वही होता है। हम कहते हैं दिस इज अ रिप्रोचेबल ऑफेंस, घोर आलोचना के योग्य है ये। तो आप जैसे घृणा ही कर रहे हो किसी चीज से, तो आप डिसलाइक करो, डिसलाइक के बाद हेट करो, डिटेस्ट करो, अभोर करो, एवोमिनेट करो, तो अभी क्या है, उस घृणा की डिग्री जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो आप सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि नहीं इसका मतलब घृणा होता है। बार बार ये बात कहता हूं, वोकैबुलरी की क्लास में बार बार बोलता रहता हूं कि टू वर्ड्स आर नेवर सेम, दे आर सिमिलर। टू वर्ड्स आर नेवर सेम, दे आर सिमिलर, एंड दैट सिमिलैरिटी इज द चैलेंज फॉर यू पीपल, पर्टिकुलरली इन दीज टू क्वेश्चन टाइप्स, वेदर इट इज फिलर आर द क्लोजेस्ट, एंड इन ऑल द एग्जाम्स अक्रॉस द ग्लोब यू एनकाउंटर विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज द रियल टेस्टिंग ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज। यहां पर आपकी टेस्टिंग होती है कि आपकी वोकैबुलरी की समझ कितनी बेहतर है। आप रट्टू तोते हैं, आपको उसकी समझ है। तो इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ वर्ड। यानी अगर आपको सारे पॉजिटिव या सारे नेगेटिव मिल जाए तो आप उसमें जो लगाओगे अपना पैरामीटर वो क्या होगा, डिग्री। आप देखें कि यहां पे पैराग्राफ में जो बाकी की बातें लिखी गई हैं वो हाई डिग्री में है या माइल्डर डिग्री में। और एक और पैरामीटर है अभी जिसको हम डिस्कस करेंगे, कहां जगह बनाई जाए उसके लिए। चलिए डिग्री आपको समझ आ गया, एंड द फोर्थ पैरामीटर इज कॉल्ड कॉलोकेशन। कॉलोकेशन शब्द का क्या मतलब होता है, जीपी का मतलब ग्रुप, a group of words which always come together by default, यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जो by default एक साथ आता है। और ये भी आपको filler और closures में बहुत help करता है, जब भी blank place मिले तो उसके आगे और पीछे आए हुए शब्दों पर ध्यान दें, वो आपको हिंट दे रहे होते हैं कि उसे क्या चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल सपोज ये एक ब्लैंक प्लेस है और इसके बाद लिखा हुआ है फ्रॉम, और आप दो चॉइस में फंस चुके हैं। एक चॉइस है आपके पास रिफ्रेन और दूसरा है अवर्स। क्यों फंस चुके हैं आप, बिकॉज बोथ द वर्ड्स हैव सिमिलर मीनिंग। इफ यू हैव अवर्जन फॉर समथिंग, इसका मतलब आप उस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। एंड इफ यू रिफ्रेन फ्रॉम समथिंग, तो भी आप उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, आप वहां पर इंटरेस्टेड नहीं हो। अब नाउ द प्रॉब्लम इज व्हाट, दैट विच ऑप्शन शुड आई गो विद, बिकॉज बोथ द वर्ड्स आर सिनोनिमस। सो इन दैट केस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉलोकेशन हेल्प्स यू आउट। रिफ्रेन की जोड़ी बनती है फ्रॉम के साथ, तो आप रिफ्रेन के साथ जाएंगे, यहां पर अवर्स के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन अगर वहीं पर फ्रॉम की जगह पे क्या लिखा होता, टू लिखा होता, तो आप किसके साथ चले जाते, अवर्स के साथ। तो कई बार आप बिना मतलब परेशान होते हैं, वो क्वेश्चन खुद ही बता रहा होता है कि उसको क्या चाहिए, लेकिन हम अपना दिमाग वहां पे लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो उसकी आवश्यकता हमें नहीं होती, इस बात का हमें ध्यान रखना है। गॉट द पॉइंट। तो ये हमारे चार पैरामीटर्स थे जिनको ध्यान में रखना है आपको। और इस आधार पे ही क्वेश्चंस करेंगे हम। सर क्वेश्चंस कर सकते हैं हम? ओके जरा दिखा दीजिए।
अब देखो ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है यहां पे, ही हैड नॉट ईटन ऑल डे एंड बाय द टाइम ही गॉट होम ही वॉज ब्लाइटेड कन्फ्यूटेटिव रेवनस ऑस्टेंटेशियस एंड ब्लिसफुल। अब ये सिंगल ब्लैंक प्लेस का क्वेश्चन है, तो क्या लग रहा है आपको सर, कमेंट देख सकते हैं क्या? वो अपनी समझ को अप्लाई करें यहां पे। विश्वजीत सी के साथ जा रहे हैं, देवेंद्र भी सी और बीवीएस डी के साथ जा रहे हैं। लक्ष्मी सी ऐश्वर्या रेवनस कृति रेवनस, बिल्कुल रेवनस इज द करेक्ट वर्ड। क्या मतलब होता है रेवनस का बताएगा कोई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेवनस? इसके साथ गए हैं आप लोग, रेवनस इज द करेक्ट ऑप्शन च्वाइस। अब आप देखो यहां पे हिंट साफ साफ दे रखा है सेंटेंस ऑलरेडी, उसने कुछ भी नहीं खाया, ही हैड नॉट ईटन ऑल डे एंड बाय द टाइम ही गॉट होम, जब तक वो घर पहुंचा ही वॉज, तो जाहिर तौर पे ही वॉज वेरी हंग्री एंड द मीनिंग ऑफ द रेवनस वर्ड इज वॉट वेरी हंग्री, ये हाई डिग्री का वर्ड है। अब देखो यहां पे पॉइंट क्या है कि अगर आप सिर्फ हंग्री बोलते तो आप वहां पे फंस जाते, अगर सिर्फ हंग्री है तो फिर रेवनस क्या है भाई? दैट इज वॉट, जब आपको बहुत ज्यादा भूख लगी हो, बहुत ज्यादा भूखे हो आप, हंगर का जो डिग्री है वो बहुत हाई हो, तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं किसका? रेवनस का। अब देखो ऐश्वर्या ने लिखा है एक्सट्रीमली हंग्री और देवेंद्र ने लिखा है सिर्फ हंग्री, तो मैं उसी डिफरेंस की बात कर रहा हूं, ये एक्सट्रीमली हंग्री है। इवन समटाइम्स यू मे गेट द वर्ड लाइक समबडी हु इज वेरी वेरी यू नो वायलेंट एज वेल, हो सकता है कि वो इंसान हिंसक भी हो जाए, ये भी कहीं पे आपको मीनिंग मिले। तो अगेन ये एक तरीके से कंटेक्चुअल मीनिंग है, बिकॉज जब इंसान को भूख लगी होती है बहुत ज्यादा तो वो किसी हिंसा के स्तर पर भी आ जाता है, तो कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको यहां पे देखनी पड़ेगी। विश्वजीत कह रहे हैं सर टेंस के अकॉर्डिंग चूज किए हैं, ओके जी। तो खैर चलिए, तो पहला क्वेश्चन तो हो गया और दूसरा क्वेश्चन है ही इज नेवर फाउंड हिज मैनर्स बॉसी एंड इरिटेटिंग। अब देखो यहां पे साफ पता लग गया आपको कि हमें जो वर्ड चाहिए वो कैसा चाहिए, कॉनोटेशन की हेल्प हो गई, नेगेटिव वर्ड चाहिए आपको, उसके जो पड़ोसी हैं उसके व्यवहार को कैसा पाते हैं, बॉसी और इरिटेटिंग है व्यवहार उसका, एंड दे स्टॉप्ड इनवाइटिंग हिम टू बैकयार्ड बारबेक्यूज, और इसीलिए बाकी के पड़ोसियों ने उसको बुलाना बंद कर दिया जब वो अपने पीछे घर के पीछे बारबेक्यूज कर रहे हैं। बारबेक्यू क्या होता है? जब आप बिल्कुल ओपन एयर में कुछ पकाते हैं खाते हैं, तो दैट इज जहां पका रहे होते हैं वो आप ग्रिलर पे, दैट इज कॉल्ड बारबेक्यू। तो उन्होंने उसको बुलाना बंद कर दिया। तो अब देखो इनसेंटिएंट वर्ड है, रेपरेटरी वर्ड है, मैजिस्टीरियल है, रेस्टोरेटिव है और मॉडेस्ट है। मुझे नहीं लग रहा कि च्वाइसेस आपके लिए बड़ी मुश्किल होने वाली हैं। पहले तो करेक्ट चॉइस बता दो आप क्या है।
अरे शरण वो कैब सीखोगे ना भाई, और कैसे सीखोगे, जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे ही तो सीखोगे। मैं ये तो नहीं कह रहा कि बी ऑप्शन होगा ए ऑप्शन होगा, मैं तो साथ साथ रहो, पेशेंस रखो, कोई भी चीज धीरे धीरे आती है। अब देखो इतनी चीजें सीखी ना आज कि किस तरीके से आपको ऑप्शन चूज करना है, पॉजिटिव नेगेटिव पहचानने लगोगे, अब धीरे धीरे चीजें सीख जाओगे, तो हमें परेशान बिल्कुल नहीं होना, पेशेंस के साथ सीखना है। अब जरा देखो मैं मतलब निकालना भी सिखा रहा हूं शरण और बाकी सभी को, इन सेंटियंट का कोई मतलब मुझे बताएगा? मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब आपको पता होना चाहिए, आप कॉमन सेंस लगा के मतलब निकालोगे जो रूट वर्ड हम करते हैं। सेंटियंट, सेंट वहां पे आ गया और सेंट जो है वहीं से वर्ड बना हुआ है सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल। तो अगर आप किसी को इनसेंटियंट कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि उस इंसान के अंदर जो भावुकता है उसकी कमी है, इन लगा करके आपने उसको नेगेटिव बना दिया, इनसेंटियंट बिहेवियर, यानी वो बिल्कुल ही इनडिफरेंट इंसान है, उसको उसकी फीलिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मजिस्ट्रियल है, बी करेक्ट ऑप्शन है। अब देखो आप मजिस्ट्रेट का काम क्या होता है, मजिस्ट्रेट अथॉरिटी शो करता है, तो मजिस्ट्रियल बिहेवियर का मतलब क्या हो गया, मजिस्ट्रियल का मतलब एक अथॉरिटेटिव बिहेवियर है, बिल्कुल करेक्ट है ऐश्वर्या, सुभाषमिता दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो रेस्टोरेटिव नहीं है कृति, वहां रिस्टोर क्या करना है, रीस्टोर का मतलब क्या, कि जो पुरानी चीज है अब उसको फिर से दोबारा पा लेना, रिस्टोर करना, रीस्टोर कर लेना, यू आर रिस्टोरिंग द सिचुएशन या रिस्टोरेटिव अप्रोच, उसका कुछ भी लेना देना नहीं था यहां पे। तो मजिस्टीरियल है वो, अथॉरिटेटिव है, तो उसका जो मैनर है वो बहुत ही इरिटेटिंग है, क्योंकि बहुत ही अथॉरिटेटिव मैनर है तो बहुत ही इरिटेटिंग है उसको। रेपरेटरी वर्ड का क्या मतलब होता है, ये वर्ड जुड़ा हुआ है रेपरेशन से, रिपेयर से। अब देखो शब्दों को कनेक्ट करो, ये रिपेयर से जुड़ा हुआ है, जब कोई चीज खराब हो जाए और आप उसको बेहतर बना रहे हो। तो इवन शशि थरूर ने जो भाषण दिया था अपना ऑक्सफोर्ड यूनियन में, वहां पे भी इस्तेमाल किया था कि ब्रिटिश ओ रेपरेशन टू अस, यानी जो अंग्रेज लोग हैं वो हमारे कर्जदार हैं, जो उन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया उसकी भरपाई उनको करनी चाहिए। मॉनिटरी टर्म में तो नहीं कर सकते, बहुत लूटा हमें 200-250 सालों में, मॉनिटरी जो नुकसान था वो तो था ही, खासतौर से जो इंटेलेक्चुअली हमें गुलाम बना गए, इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट कर गए, तो मतलब मोटे मोटे तौर पे वो बड़ा नुकसान है। तो उन्होंने वही कहा कि आप पैसे ना दें हमें, लेकिन कम से कम अपनी आने वाली पुस्तों को ये जरूर बताएं कि भाई हमने क्या किया एशिया और अफ्रीका पे। अभी आप देखो बीबीसी की जो कवरिंग है वो किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आप उनकी टोनालिटी देखें न्यूज रिपोर्ट्स में, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं वो, जो कश्मीर इंडिया का था उसके लिए नैरेटिव क्या बना रहे, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसका पूरा पेपर है, एक्सेशन हुआ प्रॉपर, राजा वहां के इंडिया में आए, तो ये नैरेटिव पूरा का पूरा गढ़ा जाता है, जबकि उसी इंग्लैंड ने एशिया और अफ्रीका के इतने सारे देशों में गुलामी की, अभी भी आयरलैंड पे कब्जा करके बैठे हैं वो बेचारे, अपना रोना पीटना कर रहे हैं वो। सो ये सब थोड़ा सा हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो रेपरेटरी वर्ड उसी से जुड़ा हुआ है जो रेपरेशन से जुड़ा हुआ हो। चलिए तीसरा क्वेश्चन बताइए, मॉडेस्ट मींस मॉडर्नाइजिंग थिंग्स, अरे हम कहते हैं उसका बिहेवियर बहुत ही मॉडेस्ट है, तो मॉडेस्ट बिहेवियर और इमॉडेस्ट बिहेवियर, तो मॉडर्नाइजिंग थिंग्स कहां से मतलब हो गया देवेंद्र, कहां से मतलब निकाल रहे हो? शरण कह रहे हैं फर्स्ट टाइम कोचिंग ले रहा हूं, कोई बात नहीं शरण, सबका फर्स्ट टाइम कभी ना कभी होता है, तो इसीलिए परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, पेशेंस के साथ चीजें सीखनी है। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आंसर दीजिए, हमारे बीच से ही लोग करेक्ट ऑप्शन बताते हैं, तो अगर हमारे बीच से बता रहे हैं तो हम भी बता सकते हैं।
अवनी सी ऑप्शन देखो लिखा है स्टीवन इज ऑलवेज अबाउट शोइंग ऑफ फॉर वर्क बिकॉज ही फील्स दैट टार्डीनेस इज अ साइन ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपको जब भी सिंगल ब्लैंक प्लेस मिलेगा एंड यू गेट अ सेंटेंस तो वहां पे क्लॉजेस हैं आपको अब वहां पे दिख रहा है बिकॉज ही फील्स वो क्या फील करता है कि टार्डनेस जो है वो एक साइन है इररिस्पॉन्सिबिलिटी का और वहां पे भी दिख रहा है कि शोइंग अप फॉर वर्क तो क्या हो सकता है पॉजिटिव वर्ड चाहिए या नेगेटिव वर्ड चाहिए वो इंसान के लिए बिल्कुल पॉजिटिव है। तो स्टीवन इज ऑलवेज पंक्चुअल अबाउट शोइंग अप फॉर वर्क अपने काम पे जाने के लिए वो बिल्कुल पंक्चुअल है क्योंकि वो ऐसा मानता है कि जो टार्डनेस की क्वालिटी है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्वालिटी है वो उसका साइन है उसका प्रतीक है। बाकी के जो वर्ड हैं लेजिबल क्या मतलब होता है लेजिबल का इलेजिबल का मतलब होता है आपने पढ़ा होगा ना व्हाट इज इलेजिबल जिसको पढ़ा ना जा सके यानी किसी की लिखावट ऐसी हो कि उसको पढ़ना बहुत मुश्किल हो उसे आप क्या कहते हो इलेजिबल आई एल इस एल से पहले लगा दे रहे थे अब वो नहीं लगा है तो लेजिबल का मतलब इसको पढ़ा जा सके टॉलरेबल आसान सा शब्द है लिटरल आसान सा शब्द है। बेलिजरेंट का मतलब क्या होता है जो इंसान हमेशा लड़ने के लिए तैयार बैठा हो समबडी हु इज एग्रेसिवली होस्टाइल उसको हम कहते हैं बेलिजरेंट राइट दैट पर्सन इज कॉल्ड व्हाट बेलिजरेंट। बींग एबल टू अफोर्ड दिस लग्जरी कार विल गेटिंग अ बेटर पेइंग जॉब साफ साफ पता लग रहा है कि क्या होना चाहिए अगर आप एक लग्जरी कार को खरीदना अफोर्ड करेंगे तो इसके लिए किसकी जरूरत होगी इट विल नेसेसिटेट गेटिंग अ बेटर पेइंग जॉब तो जरूरत होगी आपको एक ऐसे जॉब की जो आपको बेहतर पैसा दे सके तब जाकर के आप उस लग्जरी कार को अफोर्ड कर पाओगे ठीक है। सो यहाँ पे मैं मॉर्निंग में एक जगह पे ये क्वेश्चन करा रहा था आई थिंक मेंस के बैच में करा रहा था शायद सीजीएल मेंस के तो एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है तो आप खुद ही देखो विल जो है विल से पहले जो आया हुआ है दैट इज व्हाट नाउन क्लॉज विल इज अ हेल्पिंग वर्ब नेसेसिटेट इज मेन वर्ब नेसेसरी इज एडजेक्टिव नेसेसिटेट इज वर्ब राइट और गेटिंग अ बेटर पेइंग जॉब अब गेटिंग क्या बन गया जिरंड हो गया जो कि वर्ब का मेन ऑब्जेक्ट हो गया कि किस चीज की जरूरत है तो एक अच्छा जॉब पाने की और गेटिंग अ बेटर गेटिंग जिरंड हो गया एंड पेइंग इज व्हाट दैट इज एडजेक्टिव बिकॉज बेटर पेइंग जॉब दैट इज क्वालिफाइंग द क्वालिटी ऑफ जॉब। सो इस पर ध्यान रखना है रेसिप्रोकेट करने का मतलब आपको पता है आदान प्रदान करना मैक्सिमाइज यू नो व्हाट इज द रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट अब शब्द को तोड़ो आप रिकॉम्बिनेशन से बना हुआ है री का मतलब अगेन कंबाइन का मतलब आपको पता ही है तो ये एक्चुअली जेनेटिक्स का वर्ड है जब हम कुछ नया कॉम्बिनेशन करके कुछ और चीज बना रहे होते हैं। तो थर्ड का सी एंड फोर्थ का डी। अगला क्वेश्चन ललिता अनोइंगली द थीफ बाय होल्डिंग ओपन द एलिवेटर doors and ensuring his escape coerced proclaimed abetted sanctioned and solicited bataiye please
The correct option in the fifth is what? Very good, Aishwarya. That is abetted. अब देखो abate और abet ये दो confusing word है हमारे पास. एक है abate. abate abate का मतलब होता है किसी चीज की ताकत को कम करना. सुभाषमिता is also correct. और abet का मतलब होता है कि किसी को बुरे काम के लिए, कुछ नेगेटिव एक्ट के लिए उकसाना. या जैसे आपने सुना हुआ अबेटमेंट टू सुसाइड के चार्जेस लगाए जाते हैं. यानी किसी ने अगर सुसाइड कर लिया और ये पता लगा कि भाई आप जो थे वो जिम्मेदार थे, आपने ऐसा माहौल क्रिएट किया जिसकी वजह से उसको सुसाइड करना पड़े, तो आपके ऊपर चार्जेस किसके लगते हैं? अबेटमेंट टू सुसाइड के चार्जेस लगाए जाते हैं. जैसे जब जिया खान ने सुसाइड किया तो आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली, जिनकी एक ही फिल्म आई थी, उनके ऊपर अबेटमेंट टू सुसाइड के चार्जेस लगे. ऐसे ही अबेटमेंट टू रेप के भी चार्जेस लगते हैं. अबेटमेंट टू रेप के भी चार्जेस लगते हैं. सपोज पर्टिकुलरली इन द डोमेस्टिक वायलेंस, इफ देयर इज अ गर्ल एंड हर ओन फादर इज रेपिंग दैट गर्ल चाइल्ड एंड मदर इज अवेयर ऑफ दिस क्राइम, माता जी को पता है कि पिता जो है वो खुद बेटी का जो है वो शारीरिक शोषण कर रहा है, सेक्सुअल अब्यूज कर रहा है उसके साथ, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर रही. और सपोज ये घटना 6 महीने 1 साल तक चलती रही और एक दिन बेटी जो है वो परेशान होकर के पुलिस में रिपोर्ट कराने जाती है, तो पिताजी के ऊपर तो रेपिस्ट का चार्ज लगेगा ही लगेगा, माताजी के ऊपर भी अबेटिंग टू रेप का चार्ज लगेगा. अब यहां पे देखो सेंस थोड़ा सा अलग हो गया. इफर इधर हम ये अगर कह रहे हैं अबेटिंग टू रेप, तो इसका ये मतलब नहीं कि माताजी जो है वो रेप करवा रही है, राइट? बट किसी अपराध को होने देना भी आपके सामने और उसके लिए आवाज ना उठाना, ये भी अपराध की श्रेणी में आता है. तो अबेटिंग टू रेप का यही मतलब है कि रेप होते दिया आपने, आपने प्रश्रय दिया, आपको पता होते हुए भी आपने उसके पीछे आवाज नहीं उठाई. और ये छोटे क्या बड़े लेवल पे भी होता है. यू मस्ट हैव सीन द मूवी हाईवे, वेयर द कैरेक्टर ऑफ आलिया भट्ट, यू रिमेंबर दैट शी वॉज अ डॉटर ऑफ अ बिग पॉलिटिशियन एंड उसी के जो अंकल हैं वो बचपन से उसका रेप करते आए, और जब उसने उसकी अपनी माँ को बोला तो उसकी माँ ने खुद चुप करा दिया इज्जत के नाम पे. तो इस तरह की चीजें होती रही हैं सोसाइटीज में, तो वहां पे भी हम इस्तेमाल करते हैं. और अब यहां पे देखो आप क्वेश्चन में जो था वहां पे कॉन्टेक्स्ट क्या था कि ललिता जो है अनोइंगली अबेटेड द थीप बाय होल्डिंग ओपन द एलिवेटर डोर्स एंड एंश्योरिंग हिज एस्केप. ललिता को पता ही नहीं था कि जिस इंसान के लिए वो दरवाजा खोली हुई एलिवेटर के, वो एक चोर है. तो उस चोर को भागने में अनजाने में उसने मदद कर दी. तो अबेट का मतलब क्या हो गया कि भाई आपने एक तरीके से उसको हेल्प किया उस काम में. अब यहां पे सेंस बदल गया, ठीक है. सॉलिसिट का मतलब आपको बताइए, सॉलिसिट करना, सॉलिसिटर, निवेदन करना. प्रिंस फिलिप हैड टू चूज मैरी द वुमेन ही लव्ड एंड His right to throne or marry Lady Faina and inherit the crown. अब देखो कॉमन सेंस लगाना है कि च्वाइस है इनके पास, प्रिंस फिलिप के पास, कि जिस महिला को उन्होंने प्यार किया उससे शादी करें एंड एबडिकेट हिज राइट टू द थ्रोन और त्याग दें राजगद्दी का अधिकार, ये च्वाइस है, या लेडी फाइना से शादी करें और इनहेरिट द क्राउन और जो राजगद्दी है उसको संभाल सकें. तो एबडिकेट इज अ वेरी वेरी बेसिक वर्ड. Whenever you encounter with any word list and that is in alphabetical order, you encounter this word abdicate because it is absolutely in series A, B, right? So abdicate ka matlab hi hai renounce karna. Acha, there is a very good word, winnow. What is winnowing? Winnowing kya hota hai? Anybody would like to tell what is winnowing? Ye prakriya hai ek jo krisi se judi hui hai. Jab aap kisi anaj ke dane ko uske bhuse se alag karte hain, jaise आपने सूप देखा होगा, गांव में सूप का इस्तेमाल होता है और अनाज क्योंकि भारी होता है तो जब उसको सूप से मतलब सूप से उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं तो भारी अनाज पास में गिर जाता है और जो उस अनाज की भूसी होती है दैट इज हस्क, राइट, वो उड़ करके दूर चली जाती है. तो उस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? विनोइंग. जिधर हवा चल रही होती है उस दिशा में करते हैं उसको कि जो भूसी है वो हल्की होने की वजह से दूर जाके गिरे और अनाज के जो कड़ हैं, ग्रेन्स जो हैं, वो पास करें.
आफ्टर सिटिंग इन द सिंक फॉर सेवरल डेज द डर्टी फूड एनक्रस्टेड डिशेस बिकेम। अब देखो अगेन बहुत आसान है, पूरा का पूरा केस दे दिया और थोड़ी सी आपको रूट वर्ड की समझ है तो आप आसानी से कर लेंगे। मेलोडरस, आपने वो 4.25 घंटे वाली वीडियो देखी होगी ना, उसमें बेन और मेल रूट वर्ड किया था हमने। बेन का मतलब गुड है, मेल का मतलब बैड है, और ऑर्डर का मतलब क्या होता है, महक। तो मेलोडरस का मतलब क्या है, जहां पे दुर्गंध हो, दुर्गंध हो। तो आपको दिख ही रहा है कि सिंक के अंदर बहुत दिनों से जूठे बर्तन पड़े हुए हैं, जिसमें मतलब अनाज के दाने भी हैं, तो उससे क्या होगा, सड़न पैदा होगी और फिर वहां से दुर्गंध पैदा होगी। बाकी के शब्द आसानी है। आफ्टर हैविंग रिमार्क्स टू द प्रेसिडेंट द रिपोर्टर वॉज नॉट इन्वाइटेड टू रिटर्न टू द व्हाइट हाउस प्रेस रूम। ये तो आपने भी देखा सुना होगा ना, डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस वार्ता चल रही थी और थोड़े सवाल पूछ लिए एक पत्रकार ने, तो फिर उसको बैन ही कर दिया गया, हटा दिया गया वहां से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आफ्टर मेकिंग इररेवरेंट रिमार्क्स टू द प्रेसिडेंट द रिपोर्टर वॉज नॉट इन्वाइटेड टू रिटर्न टू द व्हाइट हाउस प्रेस रूम। इररेवरेंट, अब देखो रेवरेंस का मतलब क्या होता है, रेवरेंस होता है इज्जत, इररेवरेंट एडजेक्टिव हो गया, और इररेवरेंस आपकी बेइज्जती हो गई, और जो इंसान है इररेवरेंट एडजेक्टिव हो गया। तो उसने इररेवरेंट रिमार्क पास किया, रिमार्क नाउन एंड इररेवरेंट एडजेक्टिव। इररेवरेंट रिमार्क पास करने के बाद द प्रेसिडेंट रिपोर्टर वॉज इन्वाइटेड रिटर्न टू द व्हाइट हाउस प्रेस रूम। द अथॉरिटीज फियरिंग ऑफ देयर पावर कॉल्ड फॉर मिलिट्री स्टेट इन द होप्स ऑफ रिस्टोरिंग ऑर्डर। अब देखो हम यहां पर रिस्टोरिंग आ गया, रिस्टोर करना अपनी ताकत को, अपनी शक्तियों को फिर से रिस्टोर करना। सो अथॉरिटीज फियरिंग अ सबवर्जन ऑफ देयर पावर, सबवर्जन ऑफ देयर पावर, ये वर्ड यहां पे आएगा। अब VERS रूट वर्ड है, वर्स का मतलब टर्न करना होता है, वहीं से कन्वर्जन, इनवर्जन, परवर्जन, डाइवर्जन, इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, एम्बीवर्जन, सबवर्जन, सबवर्ट, इनवर्ट, कन्वर्ट। तो VERS या VERT कहीं पे भी आता है वोकैबुलरी में, टर्न मतलब होता है इन जनरल, और सबवर्ट कर देना। तो वही लिखा है कि अथॉरिटीज को इस बात की चिंता थी कि जो उनकी ताकतें हैं उनको सबवर्ट किया जाएगा, और इसीलिए उन्होंने मिलिट्री स्टेट को का आह्वान किया कि वो ऑर्डर को रिस्टोर करे। द वेदर पैटर्न्स ऑफ द ट्रॉपिकल आइलैंड मेन टूरिस्ट हैड टू कैरी बोथ अम्ब्रेलास एंड सनग्लासेस। तो आपको ऑलरेडी हिंट दे दिया कि जो वेदर पैटर्न होता है ट्रॉपिकल आइलैंड का वो कॉन्स्टेंटली बदलता रहता है, और इसीलिए लिखा है कि अगर कोई टूरिस्ट है जो कि किसी ट्रॉपिकल आइलैंड में घूमने आया है तो उसे अम्ब्रेला और सनग्लासेस दोनों रखने पड़ेंगे। इससे क्या पता लग रहा है कि कभी भी बारिश आ सकती है और कभी भी धूप आ सकती है। तो कौन सा शब्द ऐसा है जो कि लगातार बदलने की तरफ इशारा कर रहा है, द वर्ड इज ई, कैलिडोस्कोपिक। कैलिडोस्कोप क्या होता है, जिसके थ्रू आप अलग अलग कलर्स जो हैं वो देखते हैं। सो वही है कैलिडोस्कोप, और वहीं से बन गया वर्ड कैलिडोस्कोपिक वेदर पैटर्न, यानी एक ऐसा वेदर पैटर्न जो लगातार, अब कैलिडोस्कोप में क्या होते हैं, कलर्ड ग्लासेस लगी होती हैं, लगातार वो घूमता रहता है और आपको अलग अलग रंग, अलग अलग पिक्चर दिखाई दे रही होते हैं। तो दैट इज समथिंग विच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, एंड दैट इज वाई द वर्ड कैलिडोस्कोपिक इज करेक्ट ओवर हियर। एंड इफ यू गो बाय द वर्ड इम्पर्टिनेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पर्टिनेंट, जो चीज इररेलेवेंट हो। सप्लिकेंट का क्या मतलब होता है, जो इंसान किसी ऊंचे इन द सेंस की जो थोड़े से पावरफुल पोजिशन में है, जब उससे कुछ करने के लिए या कहने के लिए निवेदन करे तो उस निवेदन करने वाले इंसान को हम सप्लिकेंट कहते हैं, या भगवान से कुछ मांगने वाले को सप्लिकेंट कहा जाता है। तो चलिए आज के लिए यहीं पर रोकते हैं, और इसके बाद के क्वेश्चंस जो हैं वो कल हम डिस्कस करेंगे। तो ये हैंडआउट जो है मैं वो अपलोड भी करवा दूंगा ऐप में, या आप इनको घर पे अपने प्रैक्टिस कर सकें। और ये सब देखो, ये प्रैक्टिस करके ही चीज़ें सीखते हो, इसके लिए परेशान होने की जरूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मैं एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ कि आपको कौन सा वर्ड क्यों चूज करना है। और एक छोटा सा काम आपने ये भी करना है कि डेफिनेटली अब हमने 10 क्वेश्चन किए हैं, बट वी हैव कम अक्रॉस 50 वर्ड्स, 50 शब्द हमने देखे, और डेफिनेटली इन 10 में क्वेश्चन में से 10 ही शब्द सही थे, बाकी के 4 शब्द जो हैं वो उस कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं है। लेकिन यू आर गेटिंग 4 न्यू वर्ड्स, तब ये आपकी जिम्मेदारी कि आप पता करें कौन से शब्द का मतलब आपको पता है, किसका नहीं पता। जिसका नहीं पता है डिक्शनरीज में डालो, ढूंढो, उसके यूसेज देखो, सेंटेंस फॉर्मेशन देखो, उससे ग्रामेटिकल प्रोफाइल देखो,
और 2 से 3 डिक्शनरीज में जरूर देखो, ऑक्सफोर्ड हो गया, कैम्ब्रिज हो गया, मेरियम वेबस्टर हुआ, dictionary.com हुई, इन वेबसाइट्स में डाल करके एक ही शब्द को देखो, आपको अलग अलग रंग और अलग अलग समझ वहां पे पैदा होती है। ये जो मैंने आपको बताया अभी ना, कॉनोटेशन, कॉन्टेक्स्ट, डिग्री, यू विल बी द इन द पोजिशन टू फिगर आउट दीज थिंग्स ओनली एंड ओनली वेन वेन यू गेट दैट डीप इन सर्च ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड, नॉट जस्ट कि आप उसके सुपरफिशियल मीनिंग को जाने, बल्कि आप उस शब्द के प्रयोग को समझें, तब आप इस पोजिशन में होंगे। ठीक है, तो कोई बताएगा मुझे स्कोर 10 out of 10 कितने लोगों का है यहाँ पे? प्रियंका पूछ रही है वो कैप का टेलीग्राम लिंक नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा भाई? बीबीएस दीपिका सर कितने दिन हॉलिडे होगी? हॉलिडे तो मेरी थर्सडे से शुरू होगी आपकी, तो बस थर्सडे छुट्टी है और फ्राइडे एक और छुट्टी हो जाएगी, सैटरडे संडे ऑफ ही रहता है हमारा। तो आप घर पे खूब सारा काम करें इन टॉपिक्स के ऊपर, इसलिए मैंने ये टॉपिक चूज किया कि कम से कम इस बीच आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। देवेंद्र 6 out of 10, प्रियंका 5 out of 10, ओके। प्रियंका ऐसे कहोगे, समझ नहीं आती इंग्लिश, बिना समझ आए 5 क्वेश्चन सही हो गए? भाषा है, धीरे धीरे ही समझ आती है। प्रियंका इंप्रूव हो जाएंगे नंबर, डोंट वरी। ऐश्वर्या 6 out of 10, ओके। देखो आप लोगों को जो क्वेश्चन टाइप्स मैंने इस बीच में कराए हैं वो सब वही एरियाज हैं जहां पे आप फंसते हो, तो कम से कम एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपको हो, और इसीलिए हम ये सारे क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो फिर कल मिलते हैं, कल इसके आगे हम क्वेश्चंस को प्रोसीड करेंगे। डबल ब्लैंक प्लेस भी मिलेगा, ट्रिपल ब्लैंक प्लेस भी मिलेगा आपको। चलो, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, लेट्स कैच अप टुमारो।